हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब जिसको भी प्रॉब्लम ही आया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उन्होंने एटीएम लिया, ठीक है। तो उनको क्या है, किसी रीजन के पिन नहीं मिल पाया, ठीक है, एटीएम का। तो उनके लिए पिन कैसे लेना है, मतलब मान के चलिए आपने पैसा भी जमा करा दिया है, ठीक है, लेकिन आपको पिन नहीं मिल पाया, तो आप कैसे पैसे विड्रॉ करेंगे, ठीक है। और आपका मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं है अगर आपके अकाउंट से, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी आप ब्रांच में चले जाइए स्टेट बैंक की, ठीक है, और वहां पे आपको जाके बोलना है, ठीक है, कि मुझे प्री प्रिंटेड किट चाहिए करके, ठीक है। तो आपको वो प्री प्रिंटेड किट आपको दे देंगे, ठीक है। आपको अकाउंट नंबर देना है तो आपको जो है प्री प्रिंटेड किट मिल जाएगी, ठीक है। तो उनको ये प्रॉब्लम बताना है कि आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, ठीक है, तो पिन मैं ले नहीं सकता, ठीक है, आप पैसे भी जमा कर दिए। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देने थी कि आपकी हेल्प हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। उसके लिए तो आपको प्री प्रिंटेड किट मिल जाएगा। मतलब प्री प्रिंटेड किट होता क्या है, वो एक तरह का पासवर्ड पिन ही रहता है, ठीक है। बट वो पिन क्या रहता है, पहले से बना के रख देते हैं, ठीक है, और जिसको रिक्वायरमेंट होती है तो वो पिन को लिंक करके आपको दे देते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए आप जाएंगे तो आपको जो है प्री प्रिंटेड किट आपको दे देंगे लिंक करके, ठीक है, और वो आधा घंटा एक घंटे में वो चालू हो जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब उस पिन का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का वीडियो है, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आपको कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और कोई भी परेशानी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। टेक सर्कल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।